अर्थ प्रकाश देख रहे हैं तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि पिछले हफ्ते हिंदुस्तान ने मनोरंजन जगत का एक नायाब हीरा खो दिया है। मेरी मुराद दिलीप कुमार जी से है। दिलीप कुमार जैसे हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के सिनेमा जगत में तीन महान शख्सियतें रही हैं, जिनमें राजपूत जी, देवानंद जी और दिलीप कुमार, तीनों का अलग ही मुकाम था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही एक ऐसी धुरी थी जिसके इर्द गिर्द हिंदुस्तान की सारी एक्टिंग प्रणाली इर्द गिर्द घूमती थी। और उनका जैसे आपको पता है कि देवानंद जी, राजपूत जी तो पहले इस वर्ग से हार चुके हैं और पिछले हफ्ते दिलीप कुमार जी का निधन हो गया। जैसे ही दिलीप कुमार जी का निधन हुआ, पूरा संपूर्ण सिनेमा जगत में उदासी छा गई। और हम दिलीप कुमार जी के जीवन के बारे में आपको बताते हैं कि दिलीप कुमार जी का जन्म 11 दिसंबर 1922 पेशावर के बीच पाकिस्तान में हुआ था। और दिलीप कुमार जी की जो पहली पिक्चर थी वो ज्वार भाटा थी। और उसके बाद जहां तक कि उनके अभिनय की बात है, अभिनय में उनका कोई सानी नहीं था, है और रहेगा। जैसे दिलीप कुमार जी का निधन हुआ, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक ही ट्वीट था कि हमने इस सदी का एक नायाब युग खत्म हो गया ये सिनेमा जगत में। तो जैसे अब आगे बात करेंगे, दिलीप कुमार जी का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ और उसके बाद वो हिंदुस्तान में आ गए। हिंदुस्तान में उन्होंने, जैसे अब उनके अभिनय के बारे में बात करेंगे कि उनकी फिल्म देवदास, गंगा जमुना, नया दौर, ऐसी हिंदुस्तान की पिक्चर्स जिसको हम ये कह सकते हैं आजकल पिक्चर का सीक्वल बनने की परंपरा है, लेकिन इन पिक्चरों की सीक्वल बनाना ही बहुत बड़ी चुनौती होगी निर्देशकों के लिए। लेकिन उसके बाद हम आगे चलते हैं। दिलीप कुमार जी, जैसे पता है देवदास जैसे फिल्म रिलीज हुई थी, देवदास के बाद उनको ट्रेजेडी किंग कहना शुरू कर दिया। क्योंकि ट्रेजेडी किंग इसलिए कहा कि वो देवदास के रोल में इस तरह से बीच में खुब गए थे कि उनको खुद ही उसके बाद लंदन में, इंग्लैंड में अपना इलाज कराना शुरू कर दिया। और डॉक्टर ने कहा कि फ्यूचर के अंदर इस तरह का रोल आप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यानी इस तरह के थे दिलीप कुमार जी। और उसके बाद उनकी शादी सायरा बानो जी से हुई, जो प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री थी, उनके साथ हुई। और दिलीप कुमार जी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने अनेकों फिल्में की, जिसमें हम बात करेंगे गंगा जमुना, नया दौर, और उसके बाद मधुमति, उसके बाद सौदागर, कर्मा, यानी क्रांति। वो फिल्में दिलीप कुमार जी जो सा रोल करते थे उसके अंदर वो खुब जाते थे। यानी अगर डीजीपी का रोल करना तो डीजीपी, कर्मा के अंदर उन्होंने रोल किया था एक जेलर का, और उसके बाद सौदागर में उन्होंने रोल किया, वो रोल में ऐसे खुब जाते थे कि असली में जो लोग होते वो भी समा जाते थे कि वो किस तरह से ये रोल कर सकते हैं। और दिलीप कुमार जी के बारे में, और उनको इतने अवार्ड मिले क्योंकि दिलीप कुमार वो शख्सियत जो अवार्डों से भी परे थी उनका मुकाम। तो उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है। और सबसे अहम बात दिलीप साहब की कि उनको निशाने पाकिस्तान का अवार्ड मिला, जो पाकिस्तान में सर्वोच्च अवार्ड है, ये भी दिलीप कुमार जी को मिला। ऐसी शख्सियतें बार बार सिनेमा जगत में नहीं आती, लेकिन उनके जाने से एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि कलाकार और सिंगर कभी भी इस दुनिया से रुखसत नहीं होते, क्योंकि वो अपनी पहचान, अपनी छवि, अपनी पिक्चरों के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों के अंदर छोड़कर चले जाते हैं। और आज जैसे आपको पता है दिलीप कुमार जी हमारे बीच में नहीं है, और अर्थ प्रकाश परिवार भी आज उनके उनकी पुण्य आत्मा को अभावभीनी श्रद्धांजलि देता है और भगवान से ये प्रार्थना करता है कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की आज की रिपोर्ट, जो मैं भी एक दुखी मन से अपने आदर्श दिलीप कुमार जी को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।